दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार मंत्रिमंडल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रस्ताव पर सहमति दी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के दिन 108 प्रस्ताव पर सहमति के साथ ही नीतीश कुमार सरकार ने बिहार के लोगों के लिए पिटारा खोल दिया है और बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडे पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है और नीतीश सरकार ने राज्य कर्मी को होली का तोहफा दे दिया। राज्य कर्मी के डीए में 4% की बढ़ोतरी की है, यानी अब डीए अब 46% से बढ़कर 50% हो गया है। मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई के हवाले करने के प्रस्ताव पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति जता दी है और बिहार सरकार लीज पर मोइनुल हक स्टेडियम को देगी। वहीं बिहार के प्रमुख शहरों में टाउनशिप का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही बिहार के भागलपुर में वर्तमान हवाई अड्डा को स्थानांतरित करते हुए कम से कम 6000 फीट लंबाई का रनवे और एक टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करके नए हवाई अड्डे के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही राजगीर में कम से कम 6000 फीट लंबाई का रनवे और एक टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करके हवाई अड्डे के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट मीटिंग में पटना संग्रहालय का प्रबंधन और संचालन के लिए 61 नए पदों के सृजन और संग्रहालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता आधारित अलग अलग कोटी में 34 नए पदों का सृजन किया गया। वहीं बिहार विरासत विकास समिति के लिए अस्थायी रूप से 6 पदों का सृजन किया गया। शिक्षा विभाग में नए पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। इसमें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक रूलबुक 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पहले से उच्च माध्यमिक शिक्षक 4074 पदों का सृजन किया गया है और माध्यमिक शिक्षा के 4316 पद कक्षा 6 से 8 के 5957 पद कक्षा 1 से 5 के बेसिक ग्रेड के 11039 पदों का सृजन किया गया और बिहार के जेल में अनुबंध पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपाल का मासिक मानदेय 17250 से बढ़ाकर 19800 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग में 13 नए पदों का सृजन किया गया है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। बिहार से संबंधित और भी न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।